Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. So in today's video, I will be giving you some hair care tips जो कि बहुत इजी है और आप अपनी डेली लाइफ में से अप्लाई कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एंड इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग. सो फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू से इज ऑलवेज यूज क्रंचीज. नॉर्मल हेयर बैंड्स मत यूज़ करिए क्योंकि उससे हेयर फॉल ज़्यादा होता है, डैमेज होते हैं. अगर आप क्रंचीज करेंगे तो उससे हेयर फॉल काफ़ी कम हो जाएगा. तो ऑलवेज यूज सैटिन क्रंचीज, इट इज़ रियली गुड फॉर योर हेयर. So second point is always use wooden comb. Wooden comb हम इसलिए use करते हैं क्योंकि इससे less breakage होती है और dandruff भी नहीं होता और ये बालों को massaging effect देता है, hair fall भी काफ़ी कम कर देता है. ये eco-friendly होता है, बालों में shine देता है. तो I would suggest कि आपको हमेशा wooden comb use करना चाहिए because इसके काफ़ी benefits हैं हमारे hair के लिए. आप इसे कहीं से भी परचेज कर सकते हैं. मैंने इसे अमेजोन से लिया था एंड अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सो दैट अगर आपने बाय करना होगा आप इजीली इसे बाय कर सकते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज रात को मोस्टली लोग खुले बालों में सो जाते हैं और मे बी कोई टाइट पोनी कर देता है और ऐसे ही सो जाते हैं या बन बना लेते हैं. इट विल कॉज हेयर फॉल और हेयर डैमेज हो जाएंगे. आप कोशिश करिए कि रात को एक लूसी ब्रेड कर लीजिए सो दैट आपका हेयर फॉल नहीं होगा एंड आपके जो हेयर है वो एक सिमेट्री में रहेंगे और वो हेयर के लिए बहुत अच्छा है. तो ट्राई करिए कि रात को एक ब्रेड, लूज ब्रेड हमेशा बना के सोइए. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज आपको जब भी अपने बाल स्ट्रेट करने हैं या फिर कर्ल करने हैं, अगर आप कुछ भी ऐसा यूज करते हो, हीट अपने बालों पे यूज करते हो, तो उससे पहले आप जरूर हेयर सीरम या फिर हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे होता है उसे यूज कीजिए ताकि वो हेयर डैमेज होने से बचाएगा. एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे पहले यूज कीजिए अगर आप अपने बालों में हीट देने लगे. सो लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू यूज ऑन हेयर इज हेयर ऑयल. और हेयर ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है. इट इज़ लाइक अ फूड फॉर योर हेयर. आप कोई भी हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं बट जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ दैट इज़ मदर ऑयल एंड दैट ऑयल इज़ मेड बाय माय मॉम. और ये मैं हमेशा से यूज़ कर रही हूँ. इट्स अ हर्बल हेयर ऑयल और इसमें कोई केमिकल्स नहीं है. ये खुद वो अपने आप घर बनाते हैं एंड हम सेल करते हैं. इनकेस अगर आपको बाय करना हुआ तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सो दैट आप इजीली वहां से बाय भी कर सकते हैं. आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, चाहे मदर ऑयल या कोई भी ऑयल. इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको वही लेना है बट मैं जो यूज़ करती हूँ मैंने आपको वही बताया है. तो इसे आपने हफ्ते में दो बार लगाना होता है. आप कोई भी ऑयल हफ्ते में दो बार लगाइए एंड रात को रखिए, सुबह वॉश करिए. रात को इसलिए कहते हैं बिकॉज क्या होता है, हम बहुत रिलैक्सिंग मोड में होते हैं, हम सो रहे होते हैं और ऑयल अपना बहुत अच्छा वर्क करता है हेयर पे, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है. तो इट्स लाइक रिकमेंडेड कि आपको हमेशा रात को यूज़ करना चाहिए हेयर ऑयल. हेयर ऑयल हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, अगर हम हेयर ऑयल ना यूज़ करें तो हमारे हेयर काफ़ी ड्राई हो जाएंगे, डल हो जाएंगे, उनमें शाइन नहीं होगी, हेयर फॉल होगा, बहुत सारे हेयर इश्यूज़ हो जाएंगे. लेकिन अगर आप हेयर ऑयल यूज़ करते हैं तो वो एक फूड होता है हमारे हेयर के लिए और वो हेयर को काफ़ी बेनिफिट्स देता है, काफ़ी प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स से. सो ये सारी बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं, हेयर केयर टिप्स हैं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में आराम से कर सकते हैं और आपके हेयर काफ़ी से बच जाएंगे, डैमेज होने से बच जाएंगे. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करिए. एंड अगर आपके पास कोई और टिप्स हैं जो मुझे भी नहीं पता, मैंने नहीं बताई और आपको कुछ अच्छा पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मुझे भी पता लगे और मेरी ऑडियंस को भी. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching my video.